हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोको एफएम की एक ऐसी सेटिंग जिसे आपको ऑफ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने उस सेटिंग को ऑफ़ नहीं किया तो हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। पता तो चलेगा बट पैसे कट होने के बाद। तो अगर आप चाहते हो आपके अकाउंट से पैसे न कटें और आप कोको एफएम ऐप को यूज़ करते रहो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आपको बता दूंगा वो कौन सी सेटिंग है जिसे बंद करने के बाद आपका जो हर महीने पैसा है वो नहीं कटेगा। वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पैसा उन्हीं लोगों का कट होगा जिन्होंने कोको एफएम का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है जहाँ पर मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप बिल्कुल फ्री में कोको एफएम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो 100% वर्किंग है तो आप उस वीडियो को देख कर जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हो। अब अगर आपने कैसे भी सब्सक्रिप्शन लिया हो, फ्री में लिया हो या फिर किसी भी अदर मेथड से आपने सब्सक्रिप्शन लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे। तो इसे रोकने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने भी जो इसका सब्सक्रिप्शन है वो बाय किया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो हमारा जो स्टेटस है वो एक्टिव दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से पैसे कट होंगे, किस तरीके से आप इसे ऑफ़ कर सकते हो। तो देखिए, पैसे कट होंगे आपने जिस मेथड से पेमेंट किया है उसी जगह से आपके जो पैसे हैं वो कट होंगे। अगर आपने फ़ोन पे से किया है पेमेंट सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो फ़ोन पे से पैसे कट होंगे। अगर आपने पेटीएम से लिया है तो पेटीएम से पैसे कट होंगे। तो मैं दोनों का आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पेटीएम का बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको फ़ोन पे का बता दूंगा। तो यहां पर देखिए, अगर आपने पेटीएम से जो सब्सक्रिप्शन है वो कोको एफएम का बाय किया हुआ है तो आपको सबसे पहले पेटीएम ऐप ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद ऊपर जो कॉर्नर में आपको तीन लाइन देखने को मिलती है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको नीचे आना है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की साइड आना है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने कोको एफएम दिखा दिया जाएगा जहाँ पर स्पेयर बी प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कोको एफएम देखने को मिल जाएगा। अगर आपने पेटीएम से बाय किया होगा सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो आप सिक्योर हो, आपका जो पैसा है वो हर मंथ कट नहीं होगा। बट यहाँ पर अगर आपको कोको एफएम दिखाता है तो आप इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे आपको कैंसिल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी टाइप करके सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे जो आपका ऑटो पे है वो बंद हो जाएगा, आपके फ़ोन से हर महीने पैसे कट नहीं होंगे। तो ये था पेटीएम का, अब हम बात करते हैं फ़ोनपे की। तो आप बात करते हैं फ़ोनपे की, अगर आपने फ़ोनपे से पेमेंट किया हुआ है तो किस तरीके से जो हर महीने पैसे कट हो रहे हैं उसे आप रोक सकते हो। बेसिकली ऑटो पे होता है, तो इसे रोकने के लिए आप फ़ोनपे ऐप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको हिस्ट्री का मिल जाता है। दो तरीके होते हैं यहाँ पर बंद करने के, तो यहाँ पर जो हिस्ट्री वाला ऑप्शन है कॉर्नर में, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो कोको एफएम वाला है वो आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा कैंसिल करने का, लिखा होगा कैंसिल ऑटो पे, उस पर आप क्लिक करके कन्फर्म कर दोगे तो जो आपका ऑटो पे है वो कैंसिल हो जाएगा। मैंने पहले ही कैंसिल कर लिया है। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री से कैंसिल नहीं करना चाहते हो तो होम पेज से भी आप कर सकते हो। इसके लिए ऊपर आपको तीन लाइन देखने को मिल जाती है कॉर्नर में, जो इस तरीके से प्रोफाइल का आइकन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आइएगा। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको ऊपर ही ऑप्शन दिख जाता है ऑटो पे सेटिंग का, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पर लिंक होगा ऑटो पे से, यानी जो कोको एफएम है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उसका जो पेमेंट है वो कैंसिल कर सकते हो। हर महीने जो पैसे हैं वो आपके कट नहीं होंगे। तो इस तरीके से इस सेटिंग को बंद करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हर महीने आपके पैसे कटेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।